ये गुप्त मार्कंड जी है, समय पे पानी यहाँ भी आ जाता है, हमने इसको खुला देखा था। बहुत पुराना, प्रदूषित होने के कारण यहाँ सिर्फ भावना से युक्त आदमी आज भी जाता है, इसकी सेवा करता है। ये परिक्रमा मार्ग है, लाखों करोड़ों आदमी इसमें से गुजर के जाता है। जो भी मथुरा की परिक्रमा देगा उसे यहीं आना। शायद पर्यटन विभाग को और विकास मंत्रालय को इस ब्रिज 84 को उसकी ओर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। इनको सुरक्षित किया जाए, इन्हें रक्षित किया जाए, इनका विकास किया जाए। इसी उपलक्ष्य में मेरी ये मुहिम है कि ब्रिज 84 कोस जैसा शास्त्रों में है ऐसा ही होना चाहिए।